हमारे यहाँ पे काफी समय से अवैध डामर प्लांट चल रहे थे, जिससे वहाँ पे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। इस सब को लेकर मैंने एक वीडियो तैयार किया। मतलब धूल छा जाती है उस पे, खेती उगती पे। डामर प्लांट कब का लगा हुआ है करौली में? ये सर 2000 से ही लग रहा है, 2000 के बाद से। पहली तो यही है कि हमारे थोड़ी मतलब धुआं की बदबू ज्यादा आती है, इसकी धुआं मतलब, और इधर की हवा चला जाए पूरा रेत और हवा मतलब पूरे गांव में अंधेरा से हो जाता है। अभी खपकोड़ा टीवी बन गई। कितने दिन हो गए टीवी बने हुए? साल भर हो गया, तो दवाई चल रही है यार, खुद कही है। ऐसे आपके गांव में कितने पेशेंट होंगे जो एक इसका भाई खत्म हो गया? और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जुड़कर अवैध प्लांटों को बंद करवाया। उसी के साथ अलग अलग राज्यों के 7000 व्यक्तियों ने पिटीशन के साइट पर साइन किए और हमारे मेंबर सेक्रेटरी को दबाव बनाया। डामर प्लांट पे किस बेस पे कार्रवाई की थी? मैंने तहसीलदार जी के आदेश की पालना की। कितनी पब्लिक थी और क्या क्या कहा डामर प्लांट वालों ने? सर करीब 500 आदमी थे वहाँ, हम वहाँ मौका पर्चा बना के लाए, उनके दस्तखत कराए हमने और सबसे कह दिया कि इस प्लांट को चालू नहीं किया जाए तब तक ऊपर से कोई स्वीकृति जारी नहीं हो। ये कितने दिन पहले सीज किया गया था? आदेश मैंने उनके पास देखा तो 21/9/2008 का आदेश था। कलेक्टर ने आदेश दिए, तहसीलदार ने गिरदावर पटवारी को दिए, तो 21/9 को तो तहसीलदार को आदेश मिल गया, 29/9/2012 को इन्होंने सील किया है। ये हम लोगों को ये बेनिफिट हुआ कि एक तो प्रदूषण रुक गया, जो कल कारखाने चलते हैं गांव के आसपास तो बीमारियां फैलती हैं, प्रदूषण फैलता है, इससे आम बस्ती को नुकसान भी है, फसल में भी नुकसान होता है, इससे वो नुकसान नहीं हो पाएगा। आम बस्ती आपके साथ है, मीडिया कर्मी आप भी साथ हैं हमारे, तो हमारी जहां आवश्यकता पड़ेगी हम भी उसमें मदद करेंगे, आपकी भी मदद लेंगे। आज मेरा समुदाय इतना मजबूत हो गया है कि उनका कहना है कि इस तरह के अवैध कार्य कहीं भी हो रहे होंगे तो हम सरकार से मिलकर आपसे मिलकर उन सबको बंद करवा सकते हैं। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।